हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल थिंकर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे इंसानों की जिन्होंने ना कि अपने सिर्फ सपनों को पूरा किया है, बल्कि वो पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी और वो अमीर बन गए, धीरे धीरे विश्व में फेमस हो गए। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप सोचेंगे कि उतने महान लोग हैं और कितने हिम्मत होती है इनमें। दोस्तों, गरीब से अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग इसको पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग का सपना सपना ही रह जाता है। पर एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आपने सोच लिया, मान लिया कि मुझे अमीर बनना है, तो आप बन जाओगे। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ आपको अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं कोई भी काम करूँगा लाइफ में, अगर मैंने उस पर अपना 100% अटेंशन दिया, तो मैं उस चीज में कामयाब जरूर हो जाऊंगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय व्यर्थ न करके सीधे हम देखते हैं ये कुछ इंटरेस्टिंग लोगों की गरीब से अमीर बनने की कहानी। और हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेट कर देगी, आप में भी वो जोश भर देगी कि आप भी सोचेंगे कि ये चीज पॉसिबल है। हम आज गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहेंगे, हम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम तो सुना ही होगा आपने। वो एक बहुत पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं। एक समय था कि जब वो बहुत गरीब हुआ करते थे। उनका जन्म यूपी के छोटे से गांव में हुआ था और वो 8 भाई बहने थे। उनका यही सपना था बॉलीवुड अभिनेता बनना अपने गाँव से। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है, पर वो हारे नहीं और सीधे रुक कर दी मुंबई शहर की ओर। और आज के वक्त में वो बहुत पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं। पर दोस्तों, ये कहानी ऐसे नहीं है कि रातों रात वो अमीर बन गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि शुरुआती के दिन में उन्होंने वॉचमैन की नौकरी तो की है, पर उनका यह भी कहना था कि मज़ा ही नहीं आता था, अपने काम से बोर हो जाते थे। तब उन्होंने क्लास लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उनको छोटी छोटी काम मिलते रहे, पर उनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी लाइफ में और बस अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा करने में लग गए। उनका रोल बजरंगी भाईजान फिल्म में काफ़ी काबिले तारीफ था। लोगों ने उनका अभिनय को बहुत ज़्यादा पसंद किए और वो रातों रात सुपरस्टार बन गए और खूब पैसा कमाया और गरीबी से अमीर बन गए। दोस्तों, रजनीकांत साउथ की एक बहुत ही फेमस अभिनेता है। सिर्फ साउथ फिल्मों में ही नहीं, वो बॉलीवुड में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पर रजनीकांत जी की भी स्टोरी कुछ ऐसी है। दोस्तों, वो भी गरीब से अमीर बने हैं और उनकी अमीरी की कहानी एक मिसाल है हम लोगों के लिए। कहा जाता था कि पहले वो बहुत गरीब थे और उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी भी की थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में ट्राई किया, फिर क्या दोस्तों, देखते देखते फिल्म जगत की सुपरस्टार बन गए और दुनिया को हिला कर रख दिए। आज के वक्त में ऐसे अभिनेता को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये लोग सही में हीरो हैं, लाइफ के हीरो हैं। दोस्तों, ये है कुछ गरीब से अमीर बनने की कुछ सच्ची कहानी। आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए, उनका भी थोड़ा हौसला बढ़ जाए और आप उनको ये बता सकते हैं कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। इस वक्त शायद आप गरीब होंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा ही रहे। आपका टैलेंट आपको कभी भी अमीर बना सकता है, जरूरत है बस लगन की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी कई सारे मोटिवेशनल वीडियो को देख सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।